रियलिटी का दम भरने वाले इंडियन रियलिटी शोज में हिस्सा लेने वाले कई प्रतियोगी रातों रात काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। ऐसे शोज के मेकर्स भी दावा करते हैं कि वो टैलेंट को बढ़ावा देने का काम करते हैं। वहीं पिछले साल एक प्रतियोगी ने रियलिटी शोज को के पीछे का ऐसा राज खोला जिसने सुनकर हर कोई इस पर यकीन कर पाना नामुमकिन समझ रहा था। जी हाँ, सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल का नया सीज़न जल्द ही शुरू होने वाला है। अगस्त 2018 में एक युवक ने बताया था कि ऑडिशन में किस तरह का अमान्य व्यवहार होता है। हालांकि युवक के आरोपों पर चैनल का कभी कोई भी जवाब नहीं आया। वहीं शो को होस्ट कर चुकी मिनी माथुर ने युवक का साथ दिया था और कहा था कि साल 2012 के बाद उन्होंने शो को छोड़ना ही ठीक समझा। वहीं साल 2012 में ऑडिशन दे चुके निशांत कौशिक नाम के एक शख्स ने एक के बाद एक ट्वीट कर शो के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे किए। निशांत ने लिखा कि माना जाता है कि शो टैलेंट को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और यह सही प्लेटफॉर्म है, लेकिन मेरा मानना है कि अपने सपनों को नष्ट करने का ये सबसे सही प्लेटफॉर्म है। जी हाँ, निशांत ने कहा कि मई 2012 में मुंबई में ऑडिशन आयोजित किए गए थे जहाँ मैं केवल मस्ती के लिए पहुँचा था। वहाँ पहुँचकर देखा करीब 2 किलोमीटर तक लंबी लाइनें लगी थी। मैंने नोटिस किया कि कुछ लोगों ने बहुत जोश था, वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ तक पहुँचे थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपनी माँ के साथ थे और कुछ लोग ऐसे थे जो अकेले ही यात्रा करके यहाँ तक पहुँचे थे। निशांत ने आगे लिखा कि मैं भी सुबह 7 बजे से लाइन में लगा रहा, लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जो सुबह 5 बजे ही से ही लाइन में लगे थे। जी हाँ, यही नहीं, कुछ तो ऐसे थे जो रात भर लाइन में ही लगे रहे और अब तक किसी ने नहीं बताया कि यहाँ पहले आओ पहले पाओ जैसे कुछ भी नहीं है। जी हाँ, घंटों इंतज़ार करने के बावजूद दोपहर के करीब 1 बजे जाकर वहाँ का दरवाज़ा खुला। घंटों इंतज़ार करना था, लेकिन ना तो वहाँ पर टॉयलेट की व्यवस्था थी और ना ही खाने पीने की। अगर आप लाइन छोड़कर जाते हैं तो आप अपनी जगह भी खो देंगे, तो क्या 1 बजे के करीब हमारा इंतज़ार ख़त्म हो गया या नहीं? 1 बजे तो हमें किसी झुंड की तरह स्कूल ग्राउंड के एक स्टेज की तरफ भेजा गया। थोड़ी देर में वहाँ पिछले साल का एक विनर श्रीराम आता है और स्पीकर पर बज रहे गानों पर केवल अपने होठों को हिलाता रहता है। ये सब शाम 5 बजे तक चलता रहा। तभी मैंने नोटिस किया कि वहाँ इतनी भीड़ के लिए एक टैंक पानी और एक टॉयलेट लगाया गया है। जी हाँ, जब मैंने क्रू से यह पूछा कि क्या हम खा या पानी के लिए जा सकते हैं, तो क्रू ने कहा आप अपने रिक्स पर जाइए क्योंकि ऑडिशन किसी भी वक्त शुरू हो सकते हैं। शाम 8 बजे तक ऑडिशन शुरू नहीं हो पाए और फिर हमें एक अन्य स्टेज के सामने चिल्लाने के लिए कहा गया। हमें चिल्लाने के लिए कहा गया कि वी लव इंडियन आइडल। जी हाँ, निशान ने आगे लिखा कि मैंने 3 राउंड के बाद ऑडिशन से आधी रात को बाहर हो गया, लेकिन मैं घर आकर खुश हूँ कि किसी भी कलाकार को अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों परिवारों की मदद लेनी चाहिए बजाय इस रियलिटी शो के। इस रियलिटी शो को कोई हक नहीं है कि कलाकारों को ऐसी बेइज्जती करे। TRP के भूखे इस शोज को टैलेंट से कोई मतलब नहीं होता है। फिल्मी अड्डा से प्रियंका की रिपोर्ट।